हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। तो शुरू करते हैं काम ताकि पैचेस। तो हम कर रहे हैं स्प्लेंडर गाड़ी की ताकि का पैचेस वेल्डिंग। तो ये पैचेस मतलब नए टाकी का है, वही वीडियो मैं दोबारा नहीं डालता हूँ। मुझे कमेंट में आता है कि वही वीडियो डालते हो आप, तो वो वीडियो नहीं है भाई। ये रिक्वायरमेंट होती है मेरे फॉलोअर्स का, मुझे फ़ोन वगैरह आता है तो उनके लिए मुझे फिर से टाकी का पैचेस डालना पड़ता है, बताना पड़ता है क्या इस तरह वेल्डिंग होता है। तो अभी शुरू है स्प्लेंडर की टाकी का पैचेस वेल्डिंग करने का काम। तो बने रहिए वीडियो पे, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। तो बने रहिए वीडियो पे। तो अभी हमने ये जो फार्मा बनाया है, ये कागज़ का एक फार्मा है, माप लेकर रेडी कर लिए इसे। उसके हिसाब से इसे पत्रे के ऊपर रख के माप लेकर कटिंग कर लिया जाए, उस टाइप मतलब इसे बना लीजिए। अभी इसे डिज़ाइन में कट करके जितना भाग सड़ा है उसके शेप में कट करके अभी इसे बिठाया जाएगा, मतलब वेल्डिंग किया जाएगा। तो इस तरह इसे कटिंग कर लीजिए पत्रे को और वेल्डिंग के स्पॉट जगह जगह पर मार लो, मतलब इसे फिनिशिंग में बिठा लो पहले स्पॉट देकर, जगह जगह पर स्पॉट दे देने की और फिनिशिंग में बैठ गया कि फिर इसे थोड़ा पंच करके हथौड़ी से सही तरीके से फुल वेल्डिंग कर लो, मतलब इसे वेल्डिंग हो जाता है। वैसे तो इसका जो पिछला भाग सड़ चुका है, इसका नया पीस भी मिलता है, पर क्या ही ज़रूरत है नया पीस डालने की। तो इसे हमारे हिसाब से अपने पास का पत्रा यूज़ करके उसी डिज़ाइन में शेप देकर वेल्डिंग कर लेते हैं। नया पत्रा आ जाता है, सिर्फ नया पत्रा उसका 350 रुपये का आता है और हम 350 में वेल्डिंग मारकर कर देते हैं। तो क्यों ही नया पत्रा लगाए, इसे कोई ज़रूरत नहीं। जिस तरह हम काम कर रहे हैं आप भी काम कर सकते हो। और मेरे जो नए फॉलोअर्स हैं उनसे भी गुजारिश है, क्या वीडियो को पूरा देखिए तभी आपके समझ में आएगा। वीडियो को एक स्किप करके ना देखिए, वेल्डिंग किस तरह होता है आप लोगों को समझ में आएगा। फ़ोन पे बताने में और वीडियो में देखने में फ़र्क होता है, वीडियो में आप लोगों को समझ जाएगा। इस तरह इसे वेल्डिंग कर लीजिए या करें।